WP मैनेज एक प्लगइन है, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। उस प्लगइन से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट, जितनी भी आपकी वेबसाइट हैं या आपके क्लाइंट की वेबसाइट हैं, तो वो एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाएंगी। यानी उनमें कोई एरर आता है, कोई प्लगइन का इशू आता है, कुछ भी आता है, तो वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सेंट्रलाइज हो जाते हैं। तो आपने इसी तरह से एक मैनेज WP वर्कर, मैनेज WP वर्कर के नाम से एक प्लगइन है। कैसे इंस्टॉल, एक्टिवेट और इसकी सेटिंग की जाती है, तो ये मैं आपको सामने में कर रहा हूँ। आपने भी सिमिलरली इसी तरह से कर लेने हैं। इंस्टॉल नो पे करना है क्लिक। पहले सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है मैनेज WP वर्कर, ये प्लगइन सर्च कर लेनी है, फिर इंस्टॉल नो पे करना है क्लिक, एक्टिवेट। जब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएगी, तो यहाँ पे अब इसे देख लेना है, ये कनेक्शन मैनेजमेंट पे कर देना है क्लिक। ये कनेक्शन मैनेजमेंट पे मैंने कर दिया क्लिक। अब दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक तरीका भी है, एक मैनुअल तरीका भी है। तो आपने ये की कॉपी कर लेनी है, ये वाली की, ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, और फिर मैनेज WP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ईमेल डालने के बाद ये यहाँ पे साइन अप कर लेना है, ये यहाँ पे क्लिक कर देना है। यानी ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये टिक यहाँ पे कर देना है, अब साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए ये मुझे मेरे अकाउंट पे ले जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। ये यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो एक वेबसाइट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। दूसरी वेबसाइट ऐड करने के लिए ऐड एन अदर वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है, ये है मेरी वेबसाइट और ये है इसका URL, ये यहाँ URL आपने डाल देनी है। वहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ऐड वेबसाइट पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप दे सकते हो, आप यूज़र की भी आप डाल सकते हो। यूज़र की मतलब यार ये वाली, ये वाली, ये भी आप कॉपी करके आप यहाँ पे डाल सकते हो, ऐड वेबसाइट। अब आप यहाँ से ऐड एन अदर वेबसाइट भी कर सकते हो, गो टू डैशबोर्ड पे भी आप जा सकते हो। अगर आप ऐड एन अदर वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो कोई और वेबसाइट है उसे आप ऐड करना चाहो, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। गो टू वेबसाइट डैशबोर्ड पे करना है। ठीक है, एक प्लगइन यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखें, इधर जितनी भी वेबसाइट हैं आपकी, वो सारी की सारी वेबसाइट एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी।